जम्मू में बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा के शासन के दौरान कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर खिसक गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपने 10 साल के शासन में राम मंदिर के सिवा दिखाने को और कुछ भी नहीं है। उन्होंने आम जनता के हित के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसे वे जनता में जाकर बता सके। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि वे राम मंदिर में सियासत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने पूरी कोशिश की है मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा बने। उमर अब्दुल्ला बुधवार को जम्मू में एक सम्मेलन में पहुंचे थे। उनकी पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इस सम्मेलन में शामिल रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उमर अब्दुल्ला ने आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि 6 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से आए। वर्तमान में 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। बची हुई 3 सीटें जो भाजपा के पास है उन्हें हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें और फारूक अब्दुल्ला को आमंत्रित किया गया है। जहां मुमकिन हुआ वो इस यात्रा में शामिल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।